गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम बात करते हैं क्लास सेकंड की सब्जेक्ट मैथ्स और चैप्टर नेम डिवीज़न। इससे पहले मैंने आपको एडिशन सिखाया था और फिर मैंने आपको सब्ट्रैक्शन, फिर मल्टीप्लिकेशन। आज हम डिवाइड की बात करेंगे, डिवीज़न की। आ रही बात समझ में? तो मैंने आपको सब्ट्रैक्शन सिखा दिया, एडिशन सिखा दिया, मल्टीप्लिकेशन सिखा दिया, और डिवीज़न की बात करेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट है हमारा डिवीज़न क्लास सेकंड में। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में उसको प्रॉब्लम्स को हमसे आकर शेयर करें। क्लियर एवरीवन? तो हम बात करेंगे यहाँ पर डिवाइड द फॉलोइंग, यानी कि डिवाइड द फॉलोइंग्स की जब हम बात करेंगे तो 7-3 का टेबल 27 में पढ़ेंगे हम। समझ में आ रही बात? तो देखो, 3-1 3, 3-2 6, 3-3 9, 3-3 9, 3-4 12, 3-5 15, 3-6 18, 3-7 21, 3-8 28, 3-9 27। तो आपका कितना आ गया यहाँ पर? 3-9 27। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1, डिवाइड द फॉलोइंग का। अब बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में दे रखा है हमारा 5 का टेबल, जब हम 25 में पढ़ेंगे, 5-1 5, 5-2 10, 5-3 15, 5-4 20, 5-5 25। तो हमारा 5 यहाँ पर आ जाएगा, 25 यहाँ पर आ जाएगा। समझ में आ रही बात? तो ये हो गया 5-5 25। तो ये हमारा 5-5 25 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करेंगे हम। इसमें क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा दे रखा है 4 की डिवाइड हमें किससे करनी होगी? 24 से करनी होगी। आ रही बात समझ में? जब 24 से करेंगे तो देखो, 4-1 4, 4-2 8, 4-3 12, 4-4 16, 4-5 20, 4-6 24। तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर? 4-6 24। तो 24 आपका यहाँ पर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड भी कंप्लीट हो गया हमारा। क्लियर एवरीवन? क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर थर्ड कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। इसमें हमने क्या करना है? 5 की डिवाइड किससे लगानी है? 35 से लगानी है। आ रही बात समझ में? जब 5 की डिवाइड हम 35 से लगाएंगे तो देखो, 5-1 5, 5-2 10, 5-3 15, 5-4 20, 5-5 25, 5-6 30, और 5-7 35। तो यहाँ पर हमारा 35 आ जाएगा। तो आपका क्वेश्चन नंबर ये भी कंप्लीट हो गया। आ रही बात समझ में? अब क्वेश्चन फिफ्थ की बात करेंगे हम। किसकी? फिफ्थ की। क्वेश्चन फिफ्थ में दे रखा है हमारा 4 की 36 से करनी है। 4 की मल्टीप्लाई डिवाइड किससे करनी है? 36 से करेंगे। 4-1 4, 4-2 8, 4-3 12, 4-5 16, 4-4 16, 4-5 24, 5-24 6, 24, 4-8 28, 4-9 4-8 32, 4-9 36। तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर? 4-9 36। तो 36 आपका यहाँ पर हो गया। आ रही बात समझ में? अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 6 आपका यहाँ पर आ जाता है कि 7 की डिवाइड हम कैसे लगाएंगे बेटा? 28 से लगाएंगे। आ रही बात समझ में? जब 28 से लगाएंगे तो 7-1 7, 7-2 14, 7-3 21, 7-4 28। तो हमारा 28 यहाँ पर आ गया। क्वेश्चन हमारा ये भी कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन हमारा ये भी कंप्लीट हो गया। क्लियर? अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। 6 हो गया हमारा, 8 हो जाएगा 5-9 45। तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर? 5-9 45। क्यों? 5 का टेबल जब हमने 9 में पढ़ा तो कितने टाइम जाएगा? वो 45 टाइम जाएगा। तो आपका कितना हो गया? 45 आ गया। आ रही बात समझ में? 7 का टेबल हम 56 में पढ़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 7-8 56। तो 7-8 56 आपका ही हो गया। अब बात करते हैं 9 क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन आपका ये भी हो गया, क्वेश्चन आपका ये भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे। अब हमें जो 6 का टेबल काय में पढ़ना है, 42 में पढ़ना है। 6 का टेबल जब 42 में पढ़ेंगे, 6-1 6, 6-2 12, 6-3 18, 6-4 24, 6-5 30, 6-6 36, 6-7 42। तो 7-42 हमारे यहाँ पर आ गए। आ रही बात समझ में? तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9। तो मैंने आपको क्या सिखा दिया? डिवाइड द फॉलोइंग सिखा दिया, इसके डिवीजन। आगे के क्वेश्चंस भी आपको मैं कराऊंगा जाके। नाउ अब हम बात करते हैं बेटा, राइट द न्यूमरल्स इन असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर। दो टाइप्स के ऑर्डर होते हैं आपके। एक तो होते हैं असेंडिंग ऑर्डर, जो मैं अभी पढ़ाऊंगा आपको। फिर आते हैं आपकी डिसेंडिंग ऑर्डर। क्या आते हैं? डिसेंडिंग ऑर्डर। फिर मैं आपको उनके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम जो है असेंडिंग ऑर्डर को सॉल्व करते हैं। किस तरीके से सॉल्व करेंगे?
देखिएगा असेंडिंग ऑर्डर को हम जब सबसे पहले सबसे छोटी डिजिट लेते हैं उसमें, तो हम यहाँ देख लेंगे इसमें 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 सबसे छोटी डिजिट्स कौन सी है आपकी। ये दे रखा है 465, ये दे रखा है 794, ये दे रखा है 367, ये दे रखा है 285। तो सबसे छोटी डिजिट क्या आ गई हमारी 285, तो लिख देंगे यहाँ पर 285। फिर इससे बड़ी डिजिट 285 से 367, तो 367 आपकी ये आ गई। फिर है आपके पास 465, तो लिख देंगे 465। फिर है आपके पास 794, तो ये हो गया हमारा 794। तो ये आपके क्या हो गया, असेंडिंग डिसेंडिंग कंप्लीट हो गया आपके। आ रही बात समझ में, असेंडिंग ऑर्डर मैंने आपको पढ़ा दिया, इसका फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ा दिया। अब मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड कराऊंगा असेंडिंग ऑर्डर का, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में फिर हम वही देख लेंगे कि सबसे छोटी डिजिट क्या है। ये दे रखा है हमारा 429, ये दे रखा है 490, ये दे रखा है 360 और ये दे रखा है 510। तो 360 को सबसे पहले लिख लेंगे यहाँ पर 360 कॉमा, फिर उसके बाद हमारा क्या आएगा 429, तो 429 को लिख लेंगे। फिर हमारा क्या आएगा यहाँ पर 490 को लिख लेंगे। फिर हमारा क्या आएगा 510, तो 510 को लिख लेंगे। तो ये हो गया हमारा पहला असेंडिंग ऑर्डर कंप्लीट। फिर ये हो गया हमारा सेकंड असेंडिंग ऑर्डर कंप्लीट। इसके बाद असेंडिंग ऑर्डर थर्ड कराऊंगा मैं आपको, जो दे रखा है हमारा 620, 260, 701 और 777। समझ में आ रही बात, ये क्या है 701 है आपका, क्या है 701। तो एक है आपका 620, 260, 701 और 777। हम इस पर सबसे पहले जो है सबसे छोटी डिजिट लेंगे, सबसे छोटी डिजिट हमारी क्या है 260, तो 260 आपका यहाँ पर आ गया। आ रही बात समझ में। फिर उसके बाद 620, तो 620 आपका यहाँ आ गया। फिर आपका आ जाएगा 701, फिर आपका आ जाएगा 777। आ रही बात समझ में। तो ये हो गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर थर्ड, कौन सा हो गया असेंडिंग ऑर्डर थर्ड। अब इसके बाद मैं आपको डिसेंडिंग ऑर्डर सेकंड बताऊंगा, समझ में आ रही बात, डिसेंडिंग ऑर्डर सेकंड। अब हम बात करेंगे काहे की डिसेंडिंग ऑर्डर की। अरे ये बात समझ में। तो मैंने आपसे पहले क्या समझाया था, असेंडिंग ऑर्डर आपको समझाया था। अब मैं डिसेंडिंग ऑर्डर के बारे में बात करूंगा कि राइट द न्यूमरल्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि कुछ न्यूमरल्स दे रखे हैं उनको हमें डिसेंडिंग ऑर्डर्स में चेंज करना है। किस तरीके से चेंज करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। मैंने असेंडिंग ऑर्डर में आपको एक बात एक्सप्लेन करी थी कि जब असेंडिंग ऑर्डर हम स्टार्ट करते हैं तो उसमें सबसे पहले सबसे छोटा स्टार्ट करते हैं, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर जहां तक होता है वहां तक असेंडिंग ऑर्डर कर लेते हैं। अब डिसेंडिंग ऑर्डर की बात करेंगे हम, ठीक है। तो जब हम डिसेंडिंग ऑर्डर की बात करेंगे तो इसमें हम सबसे बड़ा लेंगे, क्या लेंगे सबसे बड़ा लेंगे। तो इसमें कितना दिखाई दे रहा है हमारा 916, क्या दिखाई दे रहा है 916 आपका। फिर उसके बाद क्या दिखाई दे रहा है आपको 619, फिर उसके बाद आपको क्या दिखाई दे रहा है 196, फिर आपको दिखाई दे रहा है 169। क्लियर एवरीवन। फिर हम इसकी बात करेंगे, ये दे रखा है 325, 225, 525, 425। तो सबसे पहले हम 525 ले लेंगे, कॉमा लगा लेंगे। क्यों? क्योंकि इन चार न्यूमरल्स में सबसे बड़ा क्या है 525 है। फिर हम इसमें 425 ले लेंगे, फिर हम 325 ले लेंगे। आ रही बात समझ में। फिर हम क्या ले लेंगे 225, तो 225 आपका यहाँ पर आ जाएगा। सबसे पहले हमने 525 लिया, फिर हमने 425 लिया, फिर हमने 325 लिया, फिर हमने 225 लिया। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड की। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में देख लेंगे फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट। तो यहाँ पे हमारे चार पार्ट दे रखे हैं। 440 सबसे पहले लेंगे हम, फिर उसके बाद लेंगे 420, क्यों? क्योंकि वो छोटा है। फिर उसके बाद लेंगे 410, आ रही बात समझ में। फिर उसके बाद लेंगे हम क्या 240, तो 240 हमारा यहाँ पर आ गया। तो ये हो गया आपके डिसेंडिंग ऑर्डर कंप्लीट, जिसमें मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड तीन डिसेंडिंग ऑर्डर आपको करा दिए और असेंडिंग ऑर्डर समझा दिए, डिवाइड समझा दिया आपको इस चैप्टर्स में। तो मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, चैनल को डिस्क्राइब करें हमारे, और हमारा कोई प्रॉब्लम हो किसी को तो कमेंट्स में आके उस प्रॉब्लम्स को शेयर करें। आ रही बात समझ में। स्टे होम, स्टे सेफ एवरीवन।